हरे कृष्णा राधे राधे। अपनी पिछली वीडियो में आपको सोमवती अमावस्या का महत्व और पूजा विधि बताई थी। आज इस वीडियो में आपको सोमवती अमावस्या की कथा बताती हूँ। सोमवती अमावस्या वाले दिन पूजा के बाद इस कथा को सुनने मात्र और दान देने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और साधक के मन की इच्छा को पूरी करते हैं। इसलिए प्रेम भाव से इस कहानी को जरूर सुने। कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण देव स्वामी थे। उनकी पत्नी धनवती और पुत्री गुणवती थी। इसके अतिरिक्त उनके 7 पुत्र थे। देव स्वामी की बेटी सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी। देव स्वामी ने अपने सभी पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश के लिए अपने बड़े बेटे को नगर से बाहर भेज दिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि विवाह के समय सपदी होने से ये कन्या विधवा हो जाएगी। ये सुनकर देव स्वामी दुखी हो गए। तब उस ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप निवासी सोमा नामक धोबिन के पास है। यदि उसे घर बुलाकर उसकी पूजा की जाए तो ही इसका उपाय होना संभव है। साधु महाराज ने बताया कि वो सोमा नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। सोमा का तप ऐसा है कि उसकी पूजा से ही ये दोष दूर हो सकता है। सोमा सिंघल द्वीप जो वर्तमान में लंका में रहती थी। ये सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ पुत्री गुणवती को सोमा धोबन को घर लाने के लिए सिंघल द्वीप भेजा। वे दोनों समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र को पार करने का उपाय सोचने लगे। जब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वट वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चों ने देखा कि दोनों भाई बहन दिन भर परेशान रहे। जब शाम को गिद्ध की माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी तो उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया और वृक्ष के नीचे बैठे भाई बहन की बात बताई। बच्चों की बातें सुनकर उनकी माँ को दया आ गई। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे प्रणाम करके भोजन किया। फिर सुबह होते ही गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहन सोमा के घर जा पहुंचे, लेकिन उसे प्रसन्न करने के लिए दोनों भाई बहन छिपकर ही कुछ योजना बनाने लगे। अब वो रोज प्रातःकाल उठकर सोमा का घर झाड़ पोछ कर लीप देते। दोनों बिना बताए रोज प्रातः सोमा का घर लीपने लगे, उसकी साफ सफाई करने लगे, उसकी सेवा करने लगे। एक दिन सोमा ने अपने बहुओं से पूछा कि कौन सुबह ही हमारा घर लीपता पोखता है, कौन इसको बुहारता है। सोमा से झूठी प्रशंसा लेने के लिए सभी ने कहा, हमारे सिवाय और इस काम को कौन करेगा। पर सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए एक रात उसने जगकर उन लोगों को खोजने की कसम खाई जो ऐसा कर रही है। तब अपनी आंखों से उसने उन दोनों भाई बहनों को ये काम करते हुए देखा। जब सोमा ने उन्हें रोककर ऐसा करने का कारण पूछा तो भाई ने सोमा को बहन की संबंधित सारी बातें बता दी। सोमा धोबिन पत्नी परायण थी, उसमें तेज था, वो तैयार हो गए। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उसके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में कुछ अशुभ होता है तो कुछ भी हो जाए मेरे आने से पहले किसी भी शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना।
फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुर पहुंच गए। सोमा धोबिन को घर लेकर आए और उनकी पूजा की। उसके बाद ब्राह्मण देव स्वामी की पुत्री का विवाह हुआ। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य का फल दान दिया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। इसके बाद सोमा उन दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से सिंगल द्वीप के लिए चल पड़े। सोमा का पुण्य चले जाने से उसके पुत्र, दामाद और पति की मौत हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। ऐसा करने से उसे पुण्य फल फिर से प्राप्त हो गया। उसके पति, पुत्र और दामाद फिर से जीवित हो गए। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। सभी भक्त याद रखे, निष्काम भाव से सेवा का फल हमेशा मधुर होता है। अमावस्या व्रत का भी यही लक्ष्य है। हे श्री हरि विष्णु, जैसे सोमा पर कृपा करी, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा करना। हम सब का अमर सुहाग हो, घर धन धान्य और खुशियों से भरा रहे, आपकी भक्ति प्रेम हमें मिलता रहे, ऐसा आशीर्वाद देना। बोले श्री हरि विष्णु की जय। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी यानी परिक्रमा देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ पर सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए अमावस्या पर हमें परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए, इसका विशेष महत्व होता है। पर अगर हर अमावस्या को ना कर पाओ तो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को तो जरूर ही करना चाहिए। इस दिन 108 वस्तु लेकर भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करना चाहिए, इससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अच्छा, एक और प्रचलित परंपरा है जिसके अनुसार पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी से हमें परिक्रमा देनी चाहिए। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री किसी से भी भवरी दी जा सकती है। फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जाता है। ये ध्यान रखें कि ये भवरी का सामान अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में दान नहीं देना चाहिए। ओम नमः शिवाय।